Welcome to online class. Today we will start your chapter number 5 of history, kingdoms, king and an early republic. Rajya, Raja और प्राचीन गणराज्य, मतलब अर्ली जो रिपब्लिक था वह किस टाइप का होता था. इलेक्शन डे, इलेक्शन डे में क्या है, शान करन वॉक अप टू सी हिज ग्रांड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. वाई शंकरन वॉन्टेड टू नाउ वर दे सो एक्साइटेड. समवट इम्पेशनली हिज ग्रांड फादर एक्सप्लेन्ड वी कैन चूज अवर ओन रूलर्स टूडे. क्या था, इलेक्शन डे था, चुनाव का जो दिन था. जब शंकरन उठा तो उसने क्या देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, वह वोट डालने के लिए रेडी होकर जा रहे थे. और क्या था, चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाह वह सबसे पहले पहुंचना चाहते थे. शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वह इतने जो एक्साइटेड क्यों है, क्यों इतने उत्साहित है. उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने रूलर को, शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं, ठीक है. फिर है हाउ सम मैन विकेम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे कैसे बने, जो लोग हैं मैन वो शासक किस तरह से बने. चूजिंग लीडर्स और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो. हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट. सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट द चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन द पीपल. बट अराउंड 3000 ईयर एगो वी फाइंड सम चेंज टॉकिंग प्लेस इन टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. इसमें क्या है, लगभग 50 वर्ष से हमने अपने रूलर का क्या है, चुनाव करना, अपने जो शासक है उनका चुनाव करना मतदान के जरिए चालू किया है. और लेकिन बहुत पहले लोग क्या कैसे शासक को चुनते थे, हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा क्या है, संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे. परंतु बट क्या है, करीब 3000 वर्ष पहले जो राजा चुने जाते थे उनको बनने की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस दिखाई दिए. कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित, मतलब उन्हें चुने जाते थे. द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन. इफ द हॉर्स वंडर्ड इन टू द किंगडम्स और अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट. इफ दे अलॉट द हॉर्स टू पास इट मीन्ट दैट दे एक्सेप्टिड दैट द राजा हु वॉन्टेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रोंगर देन दैम. दीज राजाज वर मैन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रेस्ट हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स. द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बींग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु विकम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम. इसमें क्या है, अश्वमेघ यज्ञ इसमें से एक मुख्य आयोजन था. इसमें क्या है, जो राजा होते थे वह अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते थे, जिसमें कि एक घोड़े को लोगों द्वारा स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था. और इस घोड़े का अगर कोई दूसरे साम्राज्य का जो राजा है वो पकड़ ले, रोक दे,
तो क्या है, उसके साथ उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मीनिंग था कि अश्वमेघ करने वाला जो राजा है उसने उसके पास क्या है और अधिक पावर है, मतलब वह राजा बनने के लायक है। इसके बाद उन राजाओं को भी यज्ञ में इनवाइट किया जाता है जो यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता है, और इसके लिए क्या है जो पुरोहित होते हैं पंडित होते हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत पावरफुल माना जाता है, और यज्ञ में जो इनवाइटेड दूसरे सभी राजा भी क्या है उसके लिए उपहार लाते हैं। किसके लिए? जो किंग होता है जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है उसके लिए, बाकी दूसरे जो किंगडम्स के जो किंग आए होते हैं वह राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, ए थ्रोन और ए टाइगर स्किन। हिज चैरिटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The others raja were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priest performed the rituals including the sparkling of scarred water on the king. The ordinary people, the Vish or Vaishya also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. इसमें क्या था, इस आयोजन में, सभी आयोजनों में क्या है, जो किंग होता था उसका इम्पोर्टेंट सीट दी जाती थी उसको, और उसका जो राज सिंहासन गद्दी होती थी वह क्या होती थी, बाघ की खाल का एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, और वॉर वाले एरिया में, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका क्या होता था, सहचर होता था। यज्ञ के टाइम पर वह राजा की जोक तथा अन्य गुणों का क्या है जो गान करता था, और राजा के जो रिलेटिव्स हैं और खासकर उनकी रानियां और पुत्र को भी छोटी मोटी जो रिचुअल्स अनुष्ठान करने होते थे, और अन्य जो आमंत्रित इनवाइटेड जो किंग है उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को देखना होता था, और राजा के ऊपर क्या है पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई जो और भी ज़्यादा रिचुअल्स करता है, अनुष्ठान करता है। विष तथा वैश्या जैसे सामान्य लोग क्या है गिफ्ट लाते हैं, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल, मतलब कोई भी जो अनुष्ठान है रिचुअल्स है जो शूद्र है उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसके बाद है वर्णा के बारे में दिया गया है, इसको आप खुद ही पढ़ोगे। अब है जनपद। जनपद क्या होता है? द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद्स रेदर देन जन्स। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द राजा सेट इट्स फुट एंड सेटल्ड डाउन। सम इम्पोर्टेंट जनपद्स वर शोन ऑन मैप नंबर 4, पेज नंबर 49 में मैप नंबर जो 4 है आपका उसमें दिया गया। महायज्ञों का जो सेक्रीफाइसेस होते थे, महायज्ञ करने वाला जो राजा है अब जन के राजा ना होकर जनपदों के क्या बनते थे और राजा माने जाते थे, और जनपद का जो मीनिंग है अर्थ है जन में बसने के, बसने की जगह होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट जनपद मैप नंबर आपके फॉर्म में दिखाए गए हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सपेक्टेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा
near earth near it. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulse, sugarcane, sesam and mustard. ये क्या था कि पुरातत्वविदों जो आर्कोलॉजिस्ट है ने जनपदों की कई वस्तियों की क्या की है खुदाई की है, उनको ढूंढा है और दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो हिंदुस्तान हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। और जो हमारे खुदाई से क्या पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते थे और क्या है मवेशियों तथा अन्य जानवरों का क्या करते थे, पालन पोषण करते थे। इसके साथ साथ वह कुछ फसलें जैसे गेहूँ, धान, चावल, जौ, तिल, गन्ना, तिल, सरसों, सीसम आदि ऐसी फसलें भी उगाते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware, as is obvious from the same name. These grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. मिट्टी के लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन भी वहाँ उस टाइम पर बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के, ग्रे और कुछ जो है लाल रंग के होते थे। और पुरास्थलों में जो पुरास्थल थे वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जो हमें पॉट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या है चित्रित किया गया है, ग्रे पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट, इन बर्तनों पर जो क्या है चित्रकारी की गई है, पेंट किया गया है, आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्योमेट्रिक आकृतियों के रूप में इसमें इनको बनाया गया है। अब है महाजनपद। अब महाजनपद क्या होता है? अबाउट 2500 ईयर एगो सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड वर नोन एज महाजनपद। सम ऑफ दीज आर नोन शोन ऑन मैप नंबर 4 मोस्ट महाजनपद एट ए कैपिटल सिटी। मैनी ऑफ दीज वर फॉरफिट फाइड। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ फूड ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। महाजनपद क्या है, करीब 2500 साल पहले कुछ जो जनपद अधिक इम्पोर्टेंट हो गए, जिन्हें कि क्या है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे जनपद, उनको महाजनपद के नाम से जाना गया। और मैप नंबर 4 में कुछ महाजनपद का भी दिखाया गया है। अधिकतर जो महाजनपद एक राजधानी होती थी, जो महाजनपद होती थी वो बहुत सारे जनपदों की कैपिटल होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई है, अर्थात इनके चारों ओर क्या है लकड़ी और ईंट या पत्थर की क्या है दीवार बनाई गई है। For frost were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive wall around their cities. Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided
possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be founded for all of this. इसमें क्या था कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर और अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन किलों का निर्माण किया है, और कुछ राजा अपनी कैपिटल के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को, अपनी शक्ति को दर्शाने का काम भी करते थे। और क्या था, इस तरह के जो किले होते थे, ऐसे जो किले बिल्ड बनाए गए थे, अंदर के अंदर रहने वाले लोगों और उसमें उस क्षेत्र में कंट्रोल रखना भी क्या हो जाता था, इजी कंट्रोल हुआ है, रख सकते थे उसको उसके ऊपर। और इस तरह के जो वॉल, विशाल लार्ज वॉल बनाने के लिए बहुत सारी जो क्या बनानी पड़ती थी, उनको प्लानिंग करने की आवश्यकता होती थी, और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का भी उनको इंतज़ाम करना होता था। हज़ारों जो मैन वुमेन तथा बच्चे इसके लिए क्या होते थे, अधिक परिश्रम किया होगा और इनके लिए रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती होगी। देखो इस तरह से ये वॉल बनाई जा गई थी, ऐसे वॉल बनाई जाती थी। द न्यू राजाज नाउ विगेन मेंटेनिंग आर्मीज, सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 84। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8। अब क्या है, अब राजा सेना भी आर्मी भी अपने पास रखने लग गए थे। और जो आर्मी होती थी, सिपाहियों को क्या दिया जाता था, नियमित उनको वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, और कुछ जो वेतन है, सैलरी है, संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, और इन सिक्कों के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में अब डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है टैक्सेस, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही अब शुरू करेंगे।